हाय फ्रेंड्स, मु केशिगिरी आपनको स्वागत करछि माई जॉब ओडिशा चैनल ले। तो फ्रेंड्स, आज आपण मानको पई वैकेंसी रहिछि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तरफ रु, जोटा कि आपण मो विंडो सामना रे देखि पारथुबे। तार ऑफिशियल वेबसाइट आपण गूगल रो सर्च इंजिन ने मोबाइल ले किंबा कंप्यूटर रे जाई korapoot.nic.in सर्च करंतु, तले एबळिया वेब पेज टी आपनको विंडो सामना रे डिस्प्ले रे आसी जीवो। तो एथिरे रहिछि वैकेंसी जोटा कि ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ रु वैकेंसी रही, जोटा कि आप ओडिशा आदर्श विद्यालय वेबसाइट रे खोजिले आपण पाइबे ना। मुझक देखे दूची, ये हूँ ओडिशा आदर्श विद्यालय वेबसाइट। यदि रिक्रुटमेंट रे कौनसी आपण नोटिफिकेशन पाइबे ना, तेणु आपण को देखापी हेल्ले कोरापुट डिस्ट्रिक्ट तरफ रु जेहेतु रिक्रुटमेंट टी अच्छी, तो korapoot.nic.in रे आपण सर्च करंतु, ताले तार वेब पेज टी आसी जीवो। तापर आपण कौन करिवे, तो एथिरे आपण फ्रंट रे ही ता पेज टी आसीबो। तो नोटिस रे क्लिक करिवे, आपण नोटिस रे क्लिक कला परे ए जो नोटिस पेज टी हिजी, तापर रिक्रुटमेंट रे क्लिक कले आपण को एतळो को पेज आसीजीबो। एथिरे देखंतु देछि आपणकर वैकेंसी जोटा कि ओएबी प्रजापुकी दशमंतपुर और ए भी गुंडाल ब्लॉक कुंद्रा कोरापुट। तो दुईटी जाक नोटिफिकेशन गोटे 3/11/2021 गोटे 2/11/2021 बाहरी। तो कौन रही तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के गोटी वैकेंसी रही आम जाना, जो थे कि बहुत कम वैकेंसी रही आपन को मुझे देखिए। वैकेंसी रही कुक रही, वाचमैन वैकेंसी रही, वार्डन वैकेंसी रही। तो संपूर्ण डिटेल्स देखिबा, तो फ्रेंड्स यही हूँ तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखु ओडिशा आदर्श विद्यालय जोटा कि नोटिफिकेशन टी आप डेट देखिपर 3/11/2021। तो एथिरे आपण वैकेंसी कौन देछी, एथिरे आपण को वैकेंसी देछी वार्डन एवं क्वालिफिकेशन तापाई बीए बा बीएससी करथिबे। आपणकर बयस होउछि 30 रु 60 वर्ष भितर, एवं पार मंथ आपणकर पे स्केल लैबो 7260। एवं एठी गोटाए वैकेंसी अछि। तापर रहिछि गोटे असिस्टेंट कुक, जोथिरे कि आपणकर एक्सपीरियंस कुकिंग इन सेल बी गिवन परफॉरमेंस। आपणकर कुकिंग रो एक्सपीरियंस छि ताले आवेदन करि परिबे। एथि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किछि देइ नै। बयस 21 रु 32 वर्ष एवं आपणकर पेमेंट रहिबो 3630। एवं एथिपाई गोटाए वैकेंसी रही। तापर एथिरे आपण आवेदन केमती करिवे, एथिरे आपण एप्लीकेशन टू आगो डाउनलोड करिवे, जोटा के ता वेबसाइट दे दीजी। एप्लीकेशन टी आपण डाउनलोड करिवे www.korapoot.nic.in, जोटा कि मु वीडियो फास्ट रे देखौतली। सेठी क्लिक करे एप्लीकेशन टा डाउनलोड करि सारला परे ताकू ठीक ठीक फिलअप करिवे। फिलअप करके ये जो एड्रेस देछि मुँ आउ थे देखे दूची आपको एड्रेस, ए एड्रेस आप पोस्ट स्पीड पोस्ट कि रजिस्ट्रेटेड पोस्ट जरिया पठेबे, जोटा कि लिखाई रजिस्ट्रेटेड पोस्ट ओनली, स्पीड पोस्ट भी नुहे, आप रजिस्ट्रेटेड पोस्ट रे पठेबे। एड्रेस हूँ प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय गुंडाल कुंद्रा कोरापुट। एट पोस्ट रही आपणकर गुंडाल पोस्ट कुंद्रा कोरापुट, पिन नंबर 764043। यार डेट रही फ्रेंड्स 3/11 पाखु एडवर्टाइजमेंट रिलीज होती, तो 23/11/2021 लास्ट डेट रही। आगर आपंकर एप्लीकेशन पहुँचवा दरकार। तो फ्रेंड्स देखिए तार एप्लीकेशन फॉर्म टी कौन रही, तो फ्रेंड्स यही हूँ तार एप्लीकेशन फॉर्म, जोटा कि देखते ऊपर लिखाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्डन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड गर्ल्स हॉस्टल। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक रे आपंकर पोस्ट र एटी लिखा है विद्यालय गुंडाल एवं ऑफ कुंद्रा। तो एथिरे आपण एप्लीकेशन टी फिल अप करिवे, जोथिरे कि आपणकर ना देबे, फर्स्ट नेम देबे, मिडिल नेम देबे, लास्ट नेम देबे, तापर आपणकर फादर बा हस्बैंड थिला हस्बैंड कर ना देबे। तापर एठी प्रेजेंट एड्रेस आपण फिल अप करिवे संपूर्ण एड्रेस इयरे। तापर एथिरे आपणकर टोटल्स आपणकर विलेज रो ना, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड,
देबे प्रेजेंट एड्रेस पई एवं परमानेंट एड्रेस देबे आपण जदि प्रेजेंट रे परमानेंट एड्रेस जोटी रहू जदि तहा देई परिवे तापर नेक्स्ट कोन दवा पई पडिबा आपणकर डेट ऑफ बर्थ आपणकर जन्म तारीख आपण देबे जन्म तारीख एठी फिलअप करिवे तापर एठी जन्म तारीख आपणकर वार्ड रे शब्द रे लिखिवे तापर आपणकर आधार कार्ड नंबर देबे तापर आपणकर कौ कैटेगरी अछि आपण जदि जनरल अछि जनरल करिवे एसी अछि जदि एसी करिवे एसटी अछि जदि एसी जो कैटेगरी रहितिवे ताले आपणकर टिक करिवे तापर आपणकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर बा डेट देबे जोटा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड रे थिबो तापर एक्सपीरियंस इन हॉस्टल मिनिमम आपणकर 2 वर्ष थिबो कोनसी हॉस्टल आपण 2 वर्षर एक्सपीरियंस थिबो तापर नेक्स्ट रही आपणकर क्वालिफिकेशन एठी देबे जहाँ जहाँ क्वालिफिकेशन करिसेंती तापर आपणकर कांटेक्ट नंबर देबे ईमेल आईडी देबे तापर डॉक्यूमेंट्स कौन देबे एथिरे ताहा देखि नवा डॉक्यूमेंट्स आपण एचएससी सर्टिफिकेट मार्कशीट समस्त डॉक्यूमेंट्स आपण अटेस्टेड करिकि देबे सेल्फ अटेस्टेड जोथिरे सबुथिरे आपण निजरो दस्तखत मारिबे निजरो सिग्नेचर मारिबे तापर प्लस टू सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देबे तापर बीडी रो सर्टिफिकेट आउ मार्कशीट देबे बीडी बा बीएससी जहाँ करथिबे क्वालिफिकेशन तापर कास्ट सर्टिफिकेट देबे आधार कार्ड देबे रेसिडेंस सर्टिफिकेट देबे सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस आपण हॉस्टल मैनेजमेंट रे थिबो ताहा देबे तापर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड देबे तापर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देबे ता भितरे तापर आपण डिक्लेरेशन देबे एठी आपणकर सिग्नेचर एवं डेट प्लेस रहिबो एठी आपणकर सिग्नेचर रहिबो एवं आपण डेट देबे आउ को प्लेस रे अप्लाई करछन्थि ताहा लिखिबे तापर नेक्स्ट होइ छै आपण मानको पई फॉर्म कुक पई आपण कोन करिवे कुक पई मध्ये से बडिया फॉर्म टी आपणको प्रथमे तारो एप्लीकेशन ये रहि छै पोस्टल एप्लीफॉर प्लीटिक हेड कुक असिस्टेंट कुक आपण जदि हेड कुक अछन्थि हेड कुक करिवे असिस्टेंट कुक कले असिस्टेंट कुक करिवे तापर आपणको नाम लिखिवे एठी जोटि फर्स्ट नेम मिडिल नेम तापर आपण बापा किबा हजबैंड रो ना लिखिबे तापर आपण प्रेजेंट एड्रेस लिखि देबे पूरा गाँ ना लिखिबे जीपी लिखिबे पुलिस स्टेशन लिखिबे एवं आपण परमानेंट एड्रेस कोठी रहउचंती परमानेंट एड्रेस आपण को आधार कार्ड रे जो एड्रेस जी ता एठी फिलअप करिवे तापर आपण डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिवे फिगर रे तापर वार्ड रे थी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिवे आधार कार्ड नंबर देबे तापर आपण नेक्स्ट रहिची को कास्ट आपणकर कास्ट कोण अछि तो से जो कास्ट रे जदि एसटी थिबो तो एसटी रे क्लिक करिवे एसीबीसी थिबो तो एसीबीसी जो कास्ट रे थिबे सेतिर क्लिक करिवे तापर आपणकर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट कार्ड देबे तापर एक्सपीरियंस इज कुकिंग जदि सर्टिफिकेट थाई ताहा देबे तापर आपण जेंडर देबे आपण मेल कि फीमेल अछंती लिखिबे एठी तापर आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जदि अछि ताले एठी मेंशन करिवे एचएससी प्लस टू बैचलर डिग्री जहाँ थी तो एमती तो कुक कौन एजुकेशन मागी ना तथापि जदि आपण किसी क्वालिफिकेशन अच्छी तो आपड़ अटाच करेंगे ठीक कांटेक्ट नंबर आपणकर मेल आई डी तापर डॉक्यूमेंट्स आपणकर जहाँ जहाँ सर्टिफिकेट थी सेम टू सेम आगर देखी आपणकर जदि टेन्थ थी तो टेन्थ देवे एचएससी प्लस टू रेबे आउ जहाँ अच्छी आपन को डॉक्यूमेंट्स देबे हायर क्वालिफिकेशन तो दरकार नहीं कुक पई कास्ट सर्टिफिकेट देबे आधार कार्ड देबे रेसिडेंस सर्टिफिकेट देबे तापर जदि आपण ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अछि कुक रो ताहा देई परिबे तापर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड देबे तापर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देबे तापर आपण डिक्लेरेशन ने तळे सिग्नेचर करिवे डेट एवं प्लेस लिखिवे तापर आपण को मुद्र जो कहितली सेई एड्रेस रे आपण पोस्टल जरिया रे पठाई देबे जोटा कि आपण को लास्ट डेट रहउची 23/11 तो आउ थरे देखे दो जी फ्रेंड्स यार लास्ट डेट रहउची 3/11/2021 रु
23/11/2021 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆଉ ଏଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ଏଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଇବେ। ତ ଫର୍ମଟି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଫର୍ମଟି ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକେନ୍ସି ସେଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ତ ଏଥିରେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 1/11/2021 ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ବାହାରିଛି। ତ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ସୁଇପର୍, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ସୁଇପର୍, ଏଥିରେ ଆପଣ 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ, 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ 4,720 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ koraput.nic.in ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଜପୁର ଦଶମନ୍ତପୁର କୋରାପୁଟ ପ୍ରଜାପୁକି ଗାଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ଭାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୋରାପୁଟ ସଦର କୋରାପୁଟ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପଠାଇବେ। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 22/11/2021, ତା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିରେ ତା'ର ଫର୍ମଟି କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ, ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଭଳିଆ 2ଟା ଫର୍ମ ଦେଖାଇଲି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଠି ତ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆପ୍ଲାଇ ଫର୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ କମ୍ ସୁଇପର୍। ତାପରେ ଆପଣ ନାଁ ଦେବେ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ କି ହଜବେଣ୍ଡର, ତାପରେ ଆପଣ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ ଏଠି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇନୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏଠି, ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ କାଷ୍ଟର ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ତାହାରେ ଡେଟ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଆପଣ କେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠି HSC ଯେଉଁ ମାଗିଛି ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ପାସ୍ କଲେ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଏବଂ ମାର୍କ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଡେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଠାଇଦେବେ।